बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कंप्यूटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन में आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर का ये नाम जो मिनी है, मिनी पहले ये जानते हैं कि इसका ये नाम मिनी क्यों पड़ा। गॉट द नेम ड्यू टू देयर स्मॉल साइज देन अदर कंप्यूटर्स ऑफ दैट टाइम। जिस वक़्त ये मिनी कंप्यूटर बना उस टाइम पे और इससे पहले जो जितने भी कंप्यूटर मौजूद थे उस टाइम पे उस ज़माने में, तो वो सारे साइज के लिहाज से बहुत बड़े बड़े थे। इससे पहले हमने मेन फ्रेम पढ़ा, तो मेन फ्रेम की साइज़ भी आपने देखी होगी कि बहुत बड़ा कंप्यूटर है। ठीक है, तो जिस टाइम पे ये वाला कंप्यूटर बना साइज के लिहाज से उस टाइम पे और इससे पहले जितने भी कंप्यूटर होते थे वो अपनी साइज के लिहाज से बहुत बड़े होते थे, और ये वाला कंप्यूटर जो था तो साइज के लिहाज से ये उनकी नस्बत छोटा कंप्यूटर था। तो इस वजह से इसका नाम मिनी पड़ा। मिनी का मतलब है छोटा, स्मॉल। और जो ये बना तो फर्स्ट टाइम पे 1960 में इसका पहला मॉडल बना, यानी 1960 से पहले मिनी कंप्यूटर नहीं था। इसका जो पहला वर्जन है या पहला मॉडल है वो 1960 में बना है। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। क्यों इसको मिड रेंज कहते हैं? क्योंकि मिनी की जो पावर है, पावर इसकी बिटवीन मेन फ्रेम एंड डेस्कटॉप, ठीक है, इसकी रेंज मिड रेंज, इसलिए इसको इस वजह से कहते हैं कि इसकी पावर जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा है और मेन फ्रेम से कम है। यानी मेन फ्रेम और डेस्कटॉप के दरमियान एक कंप्यूटर है, दरमियानी किस्म का, तो इसलिए वजह से इसको मिड रेंज भी कहते हैं। और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की नस्बत बहुत ज़्यादा इनपुट डेटा भी करता है, आउटपुट डेटा भी करता है, ठीक है। यानी डेटा की जो प्रोसेसिंग है, जो हैंडलिंग है, वो डेस्कटॉप की नस्बत बहुत ज़्यादा करता है। तो डेस्कटॉप से यह बहुत पावरफुल कंप्यूटर है। हैंडल हंड्रेड ऑफ यूज़र, एक अच्छा और एक पावरफुल मिनी कंप्यूटर जो है वो एक टाइम पे 100 ऑफ यूज़र को सपोर्ट करता है। यानी 100 ऑफ यूज़र्स इस पे अपना काम कर सकते हैं एट द सेम टाइम। और ये कहाँ पे, जिस तरह हमने इससे पहले पढ़ा कि मेन फ्रेम जो है वो बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में उनका यूज़ होता है, तो मिनी कंप्यूटर का जो यूज़ है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब स्कूल है, कॉलेजेस है, यहाँ पे इस किस्म के इदारों में मिनी कंप्यूटर का यूज़ होता है। और मिनी कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, मिनी कंप्यूटर को डेटा सेंड करने के लिए या मिनी कंप्यूटर से रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज़ कहते हैं उसको भी टर्मिनल कहते हैं। और टर्मिनल क्या है? टर्मिनल एक इनपुट और आउटपुट, जिस तरह से पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा मेन फ्रेम में कि टर्मिनल जो है वो एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी टर्मिनल मेन फ्रेम के साथ भी यूज़ होता है और मिनी फ्रेम के साथ भी यूज़ होता है। हैंडल मोर इनपुट एंड आउटपुट देन पर्सनल कंप्यूटर, यानी डेस्कटॉप या पीसी की नस्बत ये ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करता है, ज़्यादा इनपुट आउटपुट डेटा को हैंडल करता है। उस वजह से इसको कहते हैं कि ये पीसी की नस्बत क्या है, ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। ये इस किस्म का मिनी का वो है, एक डिज़ाइन है कि मिनी कंप्यूटर जो है वो किस किस्म का हो सकता है। तो ये उसकी एक डिज़ाइन यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे अगर देख ले तो काफ़ी बड़ा कंप्यूटर है, अगरचे मेन फ्रेम से छोटा है, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर की नस्बत क्या है, यह ज़रा बड़ी किस्म का है, उससे साइज में ज़्यादा है, पावर में भी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे हम देख ले तो यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है, इसको अगर आप देख ले तो ये क्या है, यह टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे हम देख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं डेटा को। और यहाँ पे देखो ये कीज़ है, तो इन कीज़ की मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को डेटा एंटर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वो होगा इंशाल्लाह सुपर कंप्यूटर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।